फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं, इसमें जैसे हमारे मानव जीवन में भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ओल्ड स्टेज, इसी तरह से टीचिंग भी एक प्रोसेस है, उसको भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर शिक्षण की तीन अवस्थाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहली अवस्था है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, दूसरी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, तीसरी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज यह शिक्षण की पहली अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को शिक्षण देने से पूर्व शिक्षण की योजना बनाता है, अर्थात पढ़ाने की तैयारी करता है। इसीलिए इस स्टेज को टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में टीचर अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है, डिस्कशन करता है, ताकि उसका शिक्षण सफल हो सके। इस फेजिस के कुछ ऑपरेशंस भी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहला है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें टीचर शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है। शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग वह इसमें निर्णय लेता है। इसमें मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फर्स्ट ऑल, छात्रों का प्रीवियस बिहेवियर कैसा है, अर्थात उसको प्रीवियस नॉलेज कैसी है। दूसरा, छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में, ये अधिगम से संबंधित है। इसमें जो उसका टर्मिनल बिहेवियर है उसको देखा जाता है। दूसरा, इसमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इस ऑपरेशन में टीचर पाठ्य वस्तु का सिलेक्शन करता है, उसको कौन सी सहायक सामग्री या पाठ्य संबंधी सामग्री पढ़ानी है। टीचर निर्णय लेता है कि यह क्यों करिकुलम के लिए आवश्यक है, तथा इसमें कौन सी मोटिवेशन टेक्निक्स यूज करनी है। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है। विभिन्न प्रकार की आव्यू, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन करता है। थर्ड है इसमें लॉजिकल सीक्वेंसिंग फॉर प्रेजेंटेशन, अर्थात टीचर इसमें अपने पाठ्य वस्तु के जो टीचिंग एलिमेंट हैं उनको सिस्टेमेटिक करता है। विभिन्न प्रकार के मैगजीम्स, शिक्षण सूत्रों की सहायता से वह पाठ्य वस्तु का एनालिसिस करता है, तथा उसके कंटेंट्स को सीक्वेंस में लगाता है कि फर्स्ट ऑल मुझे कौन सा कंटेंट, कौन सा टीचिंग पॉइंट पढ़ाना है इस कंटेंट से, सेकंड कौन सा पढ़ाना है। इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात पहले सिंपल बातें बच्चों को बताता है, फिर कॉम्प्लेक्स जो उसका काठिन्य लेवल है उसकी ओर चलता है। इसके बाद फोर्थ ऑपरेशन है इसमें शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी टू टीचिंग। इसमें टीचर कंटेंट के तत्वों के आधार पर टीचिंग स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करता है। इसके बाद है विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का विकास, डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक कंटेंट। अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की टीचिंग टैक्टिक्स का सिलेक्शन भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी है टीचिंग इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, दूसरी फेज है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसमें शिक्षक जो प्री एक्टिव फेज में उसने प्लान किया है उसको कक्षा में जाकर छात्रों के सम्मुख इंटरेक्शन के माध्यम से प्रेजेंट करता है। इसमें भी कुछ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे साइजिंग अप द क्लास, कक्षा के आकार की अनुभूति, जैसा आप देख भी रहे हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही टीचर सबसे पहले कक्षा में बैठे हुए छात्रों को देखता है, तथा यह जानने का प्रयास करता है कि कक्षा के छात्रों का लेवल क्या है, कौन कौन से छात्र उसे टीचिंग प्रोसेस में कोऑपरेट करेंगे, तथा कौन से छात्र उसके सामने इस लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बैरियर उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिक्षक के हाव भाव, वेशभूषा तथा उसका जो बोलने का ढंग है, इसका स्टूडेंट्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इसमें छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। टीचर इसमें कक्षा के आकार की अनुभूति के बाद
छात्रों के लेवल के बारे में निर्णय लेता है तथा यह भी जानने का प्रयास करता है कि छात्रों की प्रीवियस नॉलेज, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, वह छात्रों को कैसे और किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए टीचर परसेप्शन या क्वेश्चंस की हेल्प लेता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट छात्रों के अंदर जो कमियां हैं उनको जानने का प्रयास करता है। तीसरा, जैसा आप देख रहे हैं इसमें इनिशिएशन एंड रेस्पॉन्स। इस स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण वर्बल इंटरेक्शन होता है, अर्थात टीचर कुछ एक्टिविटी करता है, छात्र उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं, अथवा छात्र कोई एक्टिविटी करता है, टीचर उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है। इस प्रकार हम शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, फर्स्ट ऑल इनिशिएट, दूसरा रेस्पॉन्स। इसके अलावा टीचर इसमें उद्दीपक का चुनाव करता है, स्टिमुलस का चुनाव करता है, कौन सा स्टिमुलस पहले प्रेजेंट करना है, फिर उसको उसके प्रेजेंटेशन को देखता है तथा फीडबैक एवं रिइंफोर्समेंट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें थर्ड फेज है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस फेज में टीचर प्री एक्टिव फेज में जो उसने प्लान किया है, इंटरेक्टिव फेज में उसने जो प्रेजेंट किया है उसका इवेल्युएशन करता है, अर्थात यहाँ पर स्टूडेंट्स के बिहेवियर में किस प्रकार से चेंज आया है, कितना चेंज आया है उसको जानने का प्रयास करता है। उसी के बिहाव पर टीचर ने जो भी विधि या जो भी उसकी टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें परिवर्तन करने का निर्णय लेता है। तो छात्रों, आज हमने आपको फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में बताया है, इसके असाइनमेंट के बारे में भी हमने आपको बताया है, आप उसका असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें तथा इसके रेस्पॉन्स के रूप में आप इसके असाइनमेंट को बनाकर पीडीएफ में आप सेंड करेंगे। थैंक यू।